गुज़श्ता रोज लाहौर इस्लामपुरा कृष्ण नगर में मारूफ शख्सियत मलिक परवेज आवान ने बेक पिज़्ज़ा एंड रोस्ट के नाम से अपनी दूसरी ब्रांच का शानदार इफ्तिताह किया, जिसमें हल्के की 62 शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। और सहाफी अलायंस पाकिस्तान मरकजी सदर और आवान इत्तेहाद पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सरपरस्त आला लाहौर यूनस आवान ने खुसूसी शिरकत की, जिस पर यूनस आवान को पुरतपाक इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक परवेज आवान ने कहा, मुफीद और सेहतमंद खाने आवाम में मुहैया करना हमारी अवलीन तरजीह है। हमने पहली ब्रांच की कामयाबी के बाद दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह किया है। खबर शामिल करते हैं चौक जमाल से। चौक जमाल और उसके गिर्द नवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, वोल्टेज की वजह से घरेलू सारे तीन परेशान। माह रमजान के मुकदस महीने में रोजादारों का सुकून पामाल। चौक जमाल और उसके आसपास के इलाकों में रोज गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। अगर बिजली कुछ लम्हात के लिए आ भी जाती है तो वोल्टेज नाकिस होने की वजह से घरेलू सारफीन बर्की आलात इस्तेमाल करने से कासिर रहते हैं। इसी तरह माह रमजान के मुकदस महीने में सहर और इफ्तार के औकात में अक्सर बिजली बंद रहती है और दिन के वक्त रोजादारों को आराम करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। छांगा मांगा के नवाही गांव मकाम में ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉले ने मोटरसाइकिल सवार 14 साल आतिफ को कुचल दिया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जाए वकूफ पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को तहवील में ले लिया और मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। वरसा ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया पहुँचा दिया। कसूर सरवर खान म्यू साहब शमास शहद वाले की तरफ से 16वीं सालाना शहदा यौम बदर कॉन्फ्रेंस हवेली अजायब सिंह नज़्द कब्रिस्तान हवेली इलाका सिंह वाली में मुनक्किद हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं सरदार जावेद आशिक डोगर से। जी सरदार जावेद आशिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, आज सरवर खान म्यू ने अपने गाँव में मदरसे की बुनियाद रखी। आने वाले मेहमानों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम भी किया गया। आने वाले मेहमानों में एहसन अली खान, मियां मोहम्मद इमरान राइम, मेहर बाबा रफीक, सरदार असगर म्याऊ, कुरम शिदार, अरकम सरवर म्याऊ, तहर जोड़ा, दीगर भाइयों ने शिरकत की। सरवर खान म्याऊ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि या अल्लाह पाक, तेरे गुनहगार बंदों ने तेरे फजल से जो इस तेरे पाक घर की बुनियाद रखी, हम सबकी नेक ख्वाहिशात नेक दुआएं कबूल और मंजूर फरमा ले, आमीन। मेरे अपने मुसलमान भाइयों, अल्लाह पाक के नेक बंदों से अपील है कि अल्लाह पाक के इस खूबसूरत घर के लिए रेत, सीमेंट, बजरी, जो भी हलाल रिजक व माल से हो सकता है, वो अल्लाह पाक के घर में अपना हिस्सा जरूर डालें, अपनी दुनिया आखिरत को कामयाब बनाएं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नेकी के इस काम में अपने माल को खर्च करना हलाल रिजक को कभी कम नहीं होने देता। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह पाक के घर की तमीर में भरपूर हिस्सा डालें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे।